देखो आज क्वेश्चंस यहाँ पर डील करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है। अब बायो पढ़ रहे हैं साइंस में, बेसिकली अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन फिगरल क्वेश्चन रहता है, ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट का अगर हम बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन तो फिगर से रहेगा ही रहेगा। और रहा बात फर्स्ट चैप्टर का, तो फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गन सिस्टम का है, तो इससे फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन कंपलसरी एक तरह है कि अगर 10 बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो 9 से ऊपर, 9 प्लस लेके चलो, 10 बार मान लो नहीं आ रहा बट एक परसेंटेज के तौर पर बता रहे, तो उतना टाइम फिगर क्वेश्चन इससे आता है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा या फिर मान लो मैकेनिज्म के साथ फिगर ड्रॉ करने बोलेगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे देखो पहला में लिखा हुआ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पर ये एनसीईआरटी का है, देखो तुम लोगों को करना क्या है कि तुम लोग सभी जितने भी हो सबको पहले क्या करना है, डायग्राम को कलेक्शन करना है। कलेक्शन मीन्स क्या है कि रेफरेंस बुक और जितना भी सैम्पल प्रॉब्लम है, प्रीवियस क्वेश्चंस है और एनसीईआरटी का डायग्राम सभी को देखना है एक बार अच्छे से, और ख़ुद से एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना है। कलर नहीं बनाना है, ठीक है, पेंसिल का यूज़ करना रहता है, ज़रूरी नहीं है कलर बनाना है पूरा, नहीं कुछ। अब देखो क्या है कि इस तरीके से सारा इंडिकेट करना है, अच्छे से एरो दे करके नाम लिखना है। और क्वेश्चंस क्या हो सकता है, एक तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ गया ओपन और क्लोज स्टोमेटा का, दूसरा क्या करेगा क्वेश्चंस कि एरो दे करके ये नाम को के जगह पे ABC लिख सकता है, उसको फुलफिल करना, इस तरह क्वेश्चन बना चुके हो, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये देखो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, अब एक चीज़ देखो तुम दोनों बना सकते हो, या तो बनाओ रेफरेंस बुक वाला या ये। अब देखो हम करता क्या है ना कि एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करेगा या CBSE क्या करता है, NCERT फॉलो करता है, ठीक है, तो NCERT का फिगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें सिंपल भी है, तो ये फिगर याद रखो, इसको हम हॉरिजॉन्टल बना या फिर ट्रांसवर्स बना, ठीक है, दोनों में वही चीज़ होगा, ठीक है, कोई ये नहीं है कि कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है, नेमिंग सही से होना चाहिए, ABCD होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तीसरा है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कुछ आते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे हॉट से क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, XYZ करके दे देगा कि X का काम है ये, Y का काम है ये, Z का काम है ये, ठीक है, इंडिकेट करने के लिए बोल देगा इसमें और उसका फंक्शन दे दिया रहेगा, या फिर इंडिकेट किया रहेगा और उसका फंक्शन पूछेगा, ठीक है, या फिर मान लो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आएगा ड्रॉ करने के लिए, या इसके जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी दिया रह सकता है नाम अलग से, कि एलिमेंट्री कैनाल जानते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हो तो एलिमेंट्री कैनाल, दोनों एक ही है, तो नाम कुछ भी दिया रह सकता है। सभी पार्ट को इंडिकेट करना पड़ता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन सा वेंस आता है, लाता है ब्लड, प्योर वाला ब्लड और कौन सा इम्प्योर वाला ब्लड, ठीक है, ये चीज़ पूछता है। फिर क्या करता है कि यहाँ पर नेमिंग के लिए पूछता है कि नेम देम करके ABCD करके, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग पूछता है, ठीक है, या फिर कभी कभी रे डायग्राम भी देता है, ठीक है, तो सेम रे डायग्राम है कंपार्टमेंट में पुट करते हैं, वो भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में देखो क्या है, अब एक सिंपल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम पूछते सिर्फ लंग्स का, तो लंग्स का अगर दिया रहता तो जो बुक में बनाया हुआ है रेफरेंस बुक में वो हम पुट कर देते जैसे नॉर्मली बाहर से दिखता है मस्कुलर टाइप का, और यहाँ पर देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये पूरा फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, सारा पार्ट देना पड़ेगा, सारा पार्ट वाइज नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखो ये ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या कैसे पूछेगा पता है, पहले पूछ देगा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, उसका डायग्राम भी बनाने के लिए बोलेगा और नाम भी लिखने के लिए बोलेगा, उसका कुछ फंक्शन बोलेगा, ठीक है, तो ये भी बना सकते हैं और दूसरा रेफरेंस बुक में है वो भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें अच्छे से लिखने के लिए मेन जरूरी है लिखना अच्छे से पॉइंट वाइज, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, दो फिगर है यहाँ पर, ठीक है, तो इस दो फिगर का क्या बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले करना क्या है दोनों फिगर में कि क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है,
जैसे देखो नीचे में क्या लिखा हुआ था, अ स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, ठीक है, यहाँ क्या लिखा होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो देखो क्या करते हैं हम लोग को एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि टाइम का ध्यान रहता है, ठीक है। तो अगर आ जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ड्रॉ करने के लिए, हम लोग क्या ड्रॉ करके आ जाएंगे, ये। तो ये ध्यान रखना है कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि इस तरह किडनी के बारे में पढ़ना है, तो डायरेक्ट ये फिगर नहीं बना देना, ध्यान से स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब भी बोले तो ये फिगर बनाएंगे, नेमिंग साथ में अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसमें भी अच्छा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, डर्टी ब्लड क्लीन ब्लड कौन करता है, रीनल आर्टरी, रीनल, भाई पिछले बार का क्वेश्चन आया भी है इस पर, ठीक है ना, क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पे क्वेश्चन आया है, चेक करना। अब क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछेगा, तो ये बनाना है अच्छे से, ठीक है। अब इसके साथ हम एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से मान लो कि एक तैयार किया गया है किसी आदमी के द्वारा, उसको हम ऐड कर दिए हैं, उसको देखने में समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारे बॉडी में पार्ट वाइज सारा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, जितना भी ऑर्गन सिस्टम है वो फिट किया गया है और कैसे किया गया है, ठीक है, वो भी देख लेंगे।